मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय आर्चर्स की और आने वाले सभी आर्चरी इवेंट्स की। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। भारतीय आर्चर्स ने कुछ ज्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय आर्चर्स से, और लेकिन भारतीय आर्चर्स उस उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए। केवल और केवल अतानु दास ही एक ऐसे भारतीय आर्चर थे जो कि मेडल के काफी करीब पहुंचे थे। उनके अलावा दीपिका, तरुणदीप राय या फिर प्रवीण जाधव की बात करते हैं तो वो अपनी बेस्ट फॉर्म के बिल्कुल भी आसपास नहीं थे, और इसी कारण वो एक मेडल जिसकी अब तक उम्मीद है वो इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में भी नहीं आ पाया। लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हो गया है, काफी ब्रेक आ गया है बीच में, और अब भारतीय आर्चर्स की जो निगाहें हैं, जो फोकस है, वो आने वाले सभी टूर्नामेंट्स पे होने वाला है, और उन्हीं टूर्नामेंट्स की बात हम इस वीडियो में आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला आर्चरी इवेंट जो होने वाला है वो रहने वाला है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021, जो कि इसी महीने यानी कि सितंबर में ही होगा, और आप सभी को दोबारा से भारतीय आर्चर्स एक्शन में नजर आएंगे। वहीं अगर डेट्स की बात की जाए तो ये जो इवेंट है वो 19 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाला है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के यंगटन में आप सभी को नजर आएगा। वहीं अगर 2019 एडिशन की में भारत की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसमें भारत ने अपने नाम 3 मेडल्स किए थे। यानी कि इस साल की चैंपियनशिप में भारतीय आर्चर्स का पूरा फोकस होगा कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और अपना जो मेडल काउंट है उसको इम्प्रूव करने में वो कामयाब रहे। वहीं अगर दूसरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो वो रहने वाला है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2021, जो कि जिसकी मैंने अभी चैंपियनशिप की बात की, उसके खत्म होते ही ये वर्ल्ड कप आप सभी को नजर आएगा। इसका जो वेन्यू है वो सेम रहने वाला है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। वही अगर बात की जाए तो ये 29 और 30 सितंबर को आप सभी को नजर आएगा। इन दो दिन आप सभी को भारतीय आर्चर्स एक्शन में नजर आएंगे। अगर बात की जाए भारतीय आर्चर्स की तो पिछली बार वो मेडल टैली के टॉप में थे। भारत ने अपने नाम 7 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल किया था। उसके अलावा भारतीय आर्चर्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस साल भी इस वर्ल्ड कप में स्ट्रांगली फिनिश करें, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है, उन्हें अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तीसरे टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो वो रहने वाला है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि 2021 में ही आप सभी को नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो रहने वाला है 22वां एडिशन रहने वाला है इस चैंपियनशिप का, और ये ढाका बांग्लादेश में होगा। भारतीय आर्चर्स आप सभी को एशियन चैंपियनशिप में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, दोबारा से एक्शन में नजर आएंगे। कॉन्टिनेंटल स्टेज पे आप सभी को भारतीय आर्चर्स दिखाई देंगे। ये जो चैंपियनशिप रहने वाली है ये नवंबर में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगी। वहीं अगर 2019 एडिशन की बात की जाए तो इस चैंपियनशिप में भारत ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया था। पहले स्थान पर आर्चरी के पावर हाउस साउथ कोरिया ने जगह बनाई थी। पहले पे साउथ कोरिया रहा था और दूसरे पे भारत ने फिनिश किया था, काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इस चैंपियनशिप में भारत और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो पहले पोजीशन पर रहे, टॉप करता हुआ नजर आए। वही बात की जाए अगले टूर्नामेंट की तो वो रहने वाला है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022। जी हाँ दोस्तों, पैरा आर्चरी काफी फेमस हो गया है भारत में, लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। जब से टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने अपना पहला मेडल अपना जीता है, हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल, हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था कुछ ही समय पहले, जिसके बाद से भारत के लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है पैरालंपिक्स में, पैरा आर्चरी में। वहीं बात की जाए तो ये जो चैंपियनशिप रहने वाली है ये 18 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगी। और वहीं अगर हरविंदर सिंह की भी बात की जाए तो वो फिलहाल यानी कि मौजूदा एशियन चैंपियन है, और वहीं उनकी नज़र होगी कि वो इस चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मेडल है वो अपने नाम करे। वहीं हरविंदर के अलावा विवेक चिकारा और राकेश कुमार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आप सभी को दिखाई देंगे, भारत की ओर से रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं अगर आखिरी टूर्नामेंट की बात करें तो वो रहने वाला है एशियन गेम्स 2022।
वहीं इससे पहले बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आर्चरी है वो एक ऑप्शनल स्पोर्ट की तरह खेला जाता है, परमानेंट नहीं है। किसी किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी किसी एडिशन में ये ऐड कर लिया जाता है, लेकिन किसी किसी में नहीं होता। अब तक केवल और केवल 2 बार आर्चरी कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आया है। सबसे पहले 1982 में हुआ था, उसके बाद 2010। और वहीं अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें जो इंग्लैंड में होने वाला है, उसमें भी आर्चरी आप सभी को नहीं नजर आने वाला है। यानी कि अब तक आर्चरी केवल और केवल 2 बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड किया गया है। इसलिए भारतीय आर्चर्स का पूरा फोकस एशियन गेम्स की ओर रहने वाला है। जी हाँ, एशियन गेम्स 2022 में होने वाले हैं। वहीं अगर डेट्स की बात करते हैं तो 10 सितंबर से 25 सितंबर तक एशियन गेम्स चलेंगे और ये चाइना में होने वाले हैं, हंगजाओ में होने वाले हैं। तो भारतीय आर्चर्स का पूरा फोकस एशियन गेम्स की ओर रहने वाला है। काफी स्ट्रांगली फाइट करते हुए आप सभी को भारतीय आर्चर्स एशियन गेम्स 2022 में नजर आने वाले हैं। तो चलिए, ये थे सारे मेजर टूर्नामेंट्स जिसमें आप सभी को दोबारा से भारतीय आर्चर्स एक्शन में नजर आने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, जैसे कि जो पहला मेजर टूर्नामेंट है वो काफी जल्दी अभी सितंबर लास्ट में ही शुरू हो जाएगा। 19 सितंबर से मैंने आप सभी को बताया वो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसमें आप सभी को दोबारा से भारतीय आर्चर्स एक्शन में नजर आएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। फिर जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।